केसर, जब तू भी शादी करना चाहती है और सूरज भी, तो अगले हफ्ते करने में क्या प्रॉब्लम है? ऐसे तो फिर अंबिका भाभी का संकल्प टलता ही रह जाएगा। आंसू का संकल्प मेरे लिए सब कुछ है फोई, पर इस वक्त मेरे मन में अपने अस्तित्व को लेकर बहुत सारी उलझने हैं और मेरे लिए उन्हें सुलझाना बहुत जरूरी है। मुझे अभी अभी अपनी जिंदगी का लक्ष्य पता चला है बा, मेरे लिए उसे पूरा करना बहुत जरूरी है। मैं लैब्स में केवल हीरे ही नहीं, अपनी पहचान भी बनाना चाहती हूँ। तुम्हें नया बिजनेस एस्टैब्लिश करना है तो तुम करो, आई विल सपोर्ट यू ऑल द वे। इनफैक्ट पूरी राजकौर फैमिली तुम्हें सपोर्ट कर रही है और हमेशा करेगी, लेकिन उसके लिए अपनी अलग पहचान, अपनी अलग आइडेंटिटी बनाने की क्या जरूरत है? जिस राजकौर नाम से हम सबका मान जुड़ा हुआ है, उससे क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? बोलो केसर। ठीक ही तो कह रहा है सूरज, सपना चाहे नया धंधा शुरू करने का हो या अलग पहचान बनाने का, शादी के बाद भी पूरा हो ही सकता है। आज नहीं तो कल समाज में सवाल उठेंगे, इस सगाई के इतने समय के बाद शादी क्यों नहीं हो रही, तो जवाब तो देना पड़ेगा कि नहीं। सात फेरों के पहले एक छत के नीचे अगर लड़का लड़की रहे हैं, तो अच्छा नहीं होता ये। और फिर अंबिका वहू ने भी जो कुछ किया था शादी के बाद ही किया था। तुम्हारी शादी हो जाएगी तो सूरज को और अच्छी तरह से जान पाओगी, और अपनी अलग पहचान बनाने के लिए तुम्हें समय की भी कोई कमी नहीं होगी। लेकिन बा, शादी के बाद एक लड़की की जिम्मेदारियां भी बहुत बढ़ जाती हैं, और फिर उस पर एक नया धंधा जमाना, उसकी चुनौती, वो भी शामिल हो जाए तो फिर शादी के तुरंत बाद एक साथ ये सब कुछ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और बढ़ी हुई जिम्मेदारियों पर खरा ना उतर पाने की हताशा ने कहीं इन दोनों के रिश्ते में खटास पैदा कर दी, तब क्या होगा? केसर, तुम्हारे जैसी नहीं है हेतल वो। चुनौतियों की नाव, जिंदगी की पतवार कैसे चलाना, ये इसने अंबिका वो से सीखा है। केसर सब संभाल लेगी। नया धंधा जमाना इतना आसान नहीं होता केसर, वो समय भी मांगता है और समर्पण भी। साथ रहने से बड़ी मुश्किलें अपने आप हल हो जाती है केसर, और साथ ना रहने से छोटी बातें भी कांटों की तरह चुभती हैं। इतने मारू पण एज मान मुझे कि तुझे शादी कर लेनी चाहिए। जिम्मेदारियां शादी से पहले भी इम्तिहान लेंगी और शादी के बाद भी, इसीलिए ये शादी तब होगी जब केसर पूरी तरह से तैयार होगी। बा, जब तक केसर अपनी नई पहचान नहीं बना पाएगी, तब तक इसके अंदर की छटपटाहट इसे नए रिश्ते की पहचान में ढलने भी नहीं देगी। मैं तेरी माँ हूँ और सास के रूप में ऐसी बहू कभी नहीं चाहूंगी जो तुम दोनों के नए रिश्ते के लिए
अपने आप को पूरी तरह समर्पित ना कर पाए। और एक माँ के रूप में मैं अपनी बेटी के सपनों की कुर्बानी भी नहीं होने दूंगी। पर इनकी शादी का दिव्य मुहूर्त अगले हफ्ते का है अंबिका। वो बा मुहूर्त तो सितारे फिर बना देंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि धीरेन का आशीर्वाद इन दोनों बच्चों के साथ हमेशा है। लेकिन केसर के लिए अपनी पहचान बनाने का यही सही समय है। सूरज, सूरज बेटा, जब शादी होगी नहीं तो इन वेडिंग कार्ड्स का क्या काम? शादी जितनी जल्दी हो उतना ही अच्छा होगा दामाद जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4। चलिए अब आप लोग कीजिए। ये खून कितना कीमती होता है। अरे दादा, ठीक से नाचने नहीं आता हा? अभी दांत मुंह फूट जाता, मुंह पे दाग लग जाता तो ब्याह होने वाला है हा? आई बात समझ में? अम्मा वो गलती से गिर गई। अगर ये ऐसे ही उल्टे सीधे काम करती रही तो इसे चोट लगने का खतरा है और इसका खून निकलने का मतलब होगा मेरी जान निकलना। कुछ करना होगा तुझे किरण। बस बहुत हो गई तुम्हारी डांस प्रैक्टिस, आज से तुम्हारा नाचना मटकना बंद। तुम्हारे खानदान की बहू है ना, ये सब नहीं करती। दिखाओ, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? तुम्हें खून तो नहीं निकला? तुम्हारा खून बहुत कीमती है, उसे मैं बहने नहीं दूंगा।
जरा भी नहीं। ऐसे काहे देख रही है? हैं? इनको तेरा नाच कूद नहीं पसंद तो हम भी तो ये कहेंगे ना, हाँ? पति परमेश्वर जो कहे वो माना कर। और बात समझ में? तुम लोग काटू कुटू कर देख रहे हो, हाँ? आसे नाच सबसे भी आमन, निकले यहाँ से। ये क्या कर रहा है तू बेटा? लक्ष्य को हासिल करने के लिए रुकावटों को हटाना ही पड़ता है मां, इसलिए मैंने केसर के लक्ष्य के सामने आने वाली रुकावट को जला दिया। केसर ये वेडिंग कार्ड्स तभी प्रिंट होंगे जब तुम चाहोगी। तब तक मैं तुम्हारी हर मुश्किल के सामने तुम्हारी ढाल बन जाऊंगा। जब तुम्हारे कदम डगमगाएंगे तब मैं बैसाखी बनकर तुम्हारा सहारा बन जाऊंगा। जब चुनौतियों से लड़कर तुम खुद को अकेला महसूस करोगी तब तुम्हारी छाया बनकर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारे सपने को पूरा करने के लिए हर तरह से तुम्हारा साथ दूंगा केसर, इन एवरी पॉसिबल वे। सूरज ने अपनी इच्छा को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। बा शादी कराना चाहती है फिर भी उनके खिलाफ जाकर मेरा साथ दे रहे। थैंक यू सूरज। ऐसे ही तुम दोनों एक दूसरे का साथ हमेशा निभाते रहना। अब चलो चलो, लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त निकल जाएगा। माँ तुम्हारे फेवर में थी इसलिए मुझे मानना पड़ा केसर, पर जैसे आज अपने नाटक से सबका दिल जीता है मैंने, वैसे ही बहुत जल्दी तुम्हें सबकी नजरों से गिरा दूंगा। ऐसी हालत कर दूंगा तुम्हारी कि तुम खुद रिक्वेस्ट करते हुए आओगी मेरे पास, कहोगी प्लीज सूरज मुझसे शादी कर लो ना प्लीज। Con eso
केसर, ये सब क्या कर रही है तू? बस दो मिनट काकी, अभी बताती हूँ। केसर, मेरे रूम का 40 फीट और बापूजी के रूम का 66 फीट है। थैंक्स अर्शन। बा, मासू, फुई, जीनल काकी, हेतल काकी, आज अंबे माँ और आप सबके आशीर्वाद के साथ मैं अपने नए लैब ग्रोन डायमंड्स के बिजनेस की शुरुआत करने जा रही हूँ। अपना आशीर्वाद दीजिए। अंबे माँ तारा बद्धा मनोरथ कामयाब करे बेटा। खूब खूब खुश रहना और बहुत कामयाब होना। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है। खुश रहो, खूब तरक्की करो। कर लो जितना एफर्ट करना है केसर, किसी काम नहीं आने वाला। अरे खुश रहो। लेकिन ऑल द बेस्ट। ये तो तुमने बताया ही नहीं कि आप घर में क्यों ऑफिस बना रहे हो। ताकि मैं घर और ऑफिस दोनों का काम साथ में कर सकूं। मैं आप सबसे वादा करती हूँ कि मैं अपने नए बिजनेस की वजह से पुरानी जिम्मेदारियों पर कोई भी असर नहीं आने दूंगी। और वैसे भी मैंने और दर्शन ने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया है। अगर मुझे यहाँ से बापूजी को दवाइयाँ देने जाना होगा तो मुझे सिर्फ 66 फीट चलना है और दर्शन की एक्सरसाइजेस के लिए सिर्फ 40 फीट और अगर रसोई में कोई काम हुआ तो सिर्फ 20 फीट। तो आम के आम और गुटलियों के दाम। अच्छा, दाम से याद आया, मासू ने जो किराया तय किया था वो मैं हर महीने की पहली तारीख राजगोर डायमंड्स के अकाउंट पर डिपॉजिट कर दिया करूंगी। इतना ड्रामा कर क्यों रही है ये? केवल अपनी पहचान बनाने के लिए। नया बिजनेस ही सेटअप करना था तो मेरे डायमंड पार्क में भी कर सकती थी, पर नहीं, शी चोज हर ओन वे। शादी के लिए टाइम चाहिए, नया बिजनेस बिल्ड करना है, अपनी सेपरेट आइडेंटिटी बनानी है। अचानक से ये सब कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। अब समय हो गया है काम करने का। रुक रुक रुक, आज पहला दिन है, पहले तेरी आरती लेने दे मुझे। बेटा, पर्सनल लाइफ को काम के साथ बैलेंस करके चल पाना आसान नहीं होता, पर तू डटे रहना। जीत उसी को मिलती है जिनका ध्यान हार या जीत पर नहीं बल्कि काम पर होता है। या आप सास बन के कह रही है या माँ बन के? दोनों, क्योंकि जब बहू कामयाब होती है तो खुशी सास को भी होती है और माँ को भी।